हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़े हुए कुछ जनरल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका रहेगा कि ए बी एंड सी कोई भी तीन पर्सन हो सकते हैं, कंपनियां कुछ भी हो सकती हैं, कंट्रीब्यूटेड ₹25,000, ₹50,000 एंड ₹75,000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। यानी कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है किसी बिजनेस में, 25,000। वहीं बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 50,000 एंड सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 75,000। सो एंड देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट आर प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल दे कंट्रीब्यूटेड। कि भाई अब उनको जो प्रॉफिट होगा उसमें से उनको किस को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इक्वली मिलेगा भाई। मान लो कि अगर ₹300 का प्रॉफिट हो गया तो ऐसा नहीं है कि तीनों को ₹100 मिलेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहेगा कि जिस हिसाब से, यानी कि जो प्रोपोर्शनल उनका टोटल कंट्रीब्यूशन में उसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट में से अपना हिस्सा मिलेगा। सो इफ़ द प्रॉफिट इज़ 48,000, अगर 48,000 प्रॉफिट उनको हुआ है रुपीज़ का, वट इज़ द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो उन तीनों का उस जो प्रॉफिट है 48,000 उसमें से शेयर बताइए कि तीनों को अलग अलग से कितना कितना मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे तो देखो, चाहो तो इनको हम रेशियो में लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो में लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल क्या करो, ऐड कर लीजिए भी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था वहाँ पर, वो आप पता कीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, इन सभी को हम ऐड करेंगे, 25,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000। तीनों को ऐड किया तो ये हो गया 20 एंड 75 को आप ऐड करोगे 1 लाख और 1,50,000। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, ए का शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है, सी का शेयर निकालना है। तो आप लिख दो वहाँ पे कि एज शेयर इज कितना है। अब तो ए ने कंट्रीब्यूट जितना किया था वो ऊपर रहेगा, ₹25,000 डिवाइड बाई, और जो टोटल है वो नीचे आएगा 1,50,000, और मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितना हुआ है, 48,000। अब यहाँ पर जब हम इससे कैंसिल करेंगे इनको, तो 50 से 25 से 150 एग्जैक्टली 6 पे कैंसिल हो गया, और 6 से 48,000 जो है वो 8,000 पर कैंसिल हो गया। सो प्रॉफिट ऑफ ए का शेयर कितना आ गया प्रॉफिट के अंदर, ₹8,000। इसी तरीके से बी का शेयर, बी के कितने हैं, 50,000 न्यूमरेटर रहेगा, डिवाइड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 48। तो और उसी तरीके से फिर 75,000 सी का शेयर जब आप निकालोगे तो उसमें 75,000 ऊपर रहेगा, 1,50,000 नीचे रहेगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, 48,000 यहाँ पर इसे 2 पे कैंसिल, तो ये सीधा 24,000 वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बी का आप निकाल लोगे तो आपको प्रॉफिट उनका जो है पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है सिंपल इसी टाइप का है कि एक लेगेसी ऑफ 1,08,000 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 सन। उसको 3 बेटों में बांटा जाना है इन द रेशियो। जो रेशियो आपको दे रखा है आपकी बार, वो रेशियो जो है, देखो जो पिछले क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे पिछले वीडियो में, वहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ होता था वो एक वूल नंबर के रूप में दिया होता था। लेकिन आपकी बार क्या है कि जो रेशियो दिया है वो आपको मिक्स फ्रैक्शन और रूल नंबर के रूप में दिया है, तो रूल वही रहेगा। बस आपको पहले ये देख लेना है कि कितना आप
को जो रेशियो दिया गया है उसको एडिशन कैसे करोगे, और फिर न्यूमरेटर कैसे सिलेक्ट करोगे और डिनोमिनेटर कैसे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम सबसे पहले यही बताएंगे कि लेगेसी इज़ टू बी डिवाइडेड इन थ्री सम थ्री सन्स अमंग लेगेसी इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग थ्री सन इन द रेशियो जो वो है 1 वूल 1/2 रेशियो, 2 वूल 1/4 रेशियो 3। तो 3 को चाहो तो आप 3/1 लिख सकते हो। अब उसके बाद टोटल लेगेसी की जो अमाउंट है वो कितना है, जो टोटल अमाउंट है वो आपको कितनी दी गई है, वो आपको दी गई है ₹1,08,000। सो इट्स वन। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियोज निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो कि सम ऑफ रेशियोज और उसको निकालिए जो कि कितना रहेगा। पहले इनको हम चाहें तो साथ ही साथ में किस में कन्वर्ट कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 1, 2, 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, प्लस 3/1। ऐड जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 4, 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, और 2, 4 को 2 पे कैंसिल करेगा 3 2 जा 6 9, प्लस 1 की 1, 4 को कैंसिल नहीं करेगा, 4 3 जा 12। ऐड जब हम करेंगे तो ये रहेगा आपका 12 9 21 प्लस 6 27/4। तो ये क्या आ गया, टोटल सम। अब ए शेयर कैसे निकालेंगे हम, सॉरी शेयर ऑफ फर्स्ट सन, या फिर हाँ इज इक्वल टू फर्स्ट सन के लिए रेशियो कितना था 3/2 डिवाइड बाई, हम डिवाइड करते हैं तो अब की बार डिवाइड का साइन लगा लेंगे हम। वैसे हम डिवाइड के रूप में लिखते थे लेकिन अब की बार फ्रैक्शन के रूप में है तो डिवाइड का साइन वहाँ पे लगा लीजिए। डिवाइड किससे करते हैं, सम से। सम कितना है 27/4, और इस कंप्लीट की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किसके साथ, जो टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट कितनी है, ₹1,800। सो दैट्स इट, इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे किया जाता है, याद होगा आपको कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट फ्रैक्शन का क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल। एंड अब ये भी मल्टीप्लाई में रहेगा, ₹1,800। कैंसिल कीजिए जो कैंसिल होते हैं, ये आ गया आपका 2/9 मल्टीप्लाई ₹1,800। और अब यहाँ से इसको कैंसिल आप करोगे, 9 108 को डिवाइड करता है 12 के ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 12,000 इंटू 2, जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹24,000। तो ये कितना, किसका शेयर आ गया, फर्स्ट सन का शेयर आ गया। उसी तरीके से शेयर ऑफ सेकंड सन, उसमें हम शुरू में रेशियो कितना लेंगे, 9/4 डिवाइड बाई 27/4 मल्टीप्लाई दैट। इसी तरीके से उसको सोल्व करोगे फिर थर्ड सन का, और आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई वैल्यू दी होगी और उसको आपको या तो इंक्रीज करना होगा किसी गिवन रेशियो में या डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, देखिएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है कि इंक्रीज 180 इन 180 को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है इन द रेशियो 6:9। तो देखो जब इंक्रीज़ की बात आती है तो जो भी अमाउंट, जो भी वैल्यू आपको दी है उसकी मल्टीप्लाई करो किसके साथ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, जो सामने रेशियो आपको दिया है उसको फैक्टर के रूप में, मतलब डिवाइड फ्रैक्शन के रूप में आप लिखो उसको। लेकिन अब इसको 6:9 को आप 6/9 लिखेंगे
या 9/6। जब बात किसकी आ रही है, इंक्रीज की जब बात आ रही है, तो ऊपर बड़े वाला नंबर रहेगा और नीचे छोटे वाला। वैसे तो 6:9 के लिए हम 6/9 लिखते हैं, लेकिन इंक्रीज है तो क्या रहेगा आपका, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अब कैंसिल करोगे 30, जो कि कितना हो गया 270। और अगर डिक्रीज की बात आती है तो इसका अपोजिट, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त 7A। एंड नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज। वेट वेट वेट, आपका एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्या करना है कि ये बोला गया है, पहले फोटो मेजरिंग था जिसकी, मतलब कोई फोटो है जिसकी साइड्स किस टाइप से हैं, कि जो लार्जर साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर है और जो स्मॉलर साइज है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर इसको इनलार्ज किया गया है इस तरीके से कि जो लार्जर साइड है वो हो गई है 18 सेंटीमीटर, तो आपको दो चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। एक तो कि स्मॉलर साइज़ इंक्रीज होकर के कितनी आ जाएगी फर्स्ट, एंड सेकंड कि जो एरिया है इनका वो किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है। तो एरिया तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ से बाद में निकालेंगे, ताकि हमारे पास ब्रेथ होनी चाहिए पहले इसकी। तो अब एक बात देखिएगा आप सिंपल, कि लार्जर साइड ऑफ द फोटो वो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद क्या है, लार्जर साइड ऑफ द फोटो, इंक्रीज्ड फोटो की लार्जर साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि भाई 7.5 से जब कितना हो गया 18 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 से कितना हो जाएगा 18/7.5, और स्मॉलर साइड पहले कितनी थी, 5 थी, तो 5 से कितना हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 18/7.5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ। अभी आप यहाँ पे देखिए कि भाई सॉरी, 7.5 सेंटीमीटर से कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा 18/7.5, और वहीं पे फिर 5 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा, अगर सीधा हम 5 की बात करें तो इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब पॉइंट हटाने के लिए हम एक ज़ीरो कहाँ लगा दिया ऊपर, क्योंकि पॉइंट अगर डिनोमिनेटर वाले के साथ था तो ज़ीरो कहाँ लग जाएगा, न्यूमरेटर वाले के साथ। अब ये 3 पे कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया 6, 6 2 12, यानी कि नई साइड जो होगी स्मॉलर साइड वो तो कितनी आ गई आपकी 12। अब एरिया जो निकालना है तो एरिया निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो उनका एरिया आ जाएगा, और यहाँ पर भी लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो वो एरिया आ जाएगा, छोटे वाले एरिया से बड़े वाले एरिया को डिवाइड करोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, वो आप स्वयं सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी प्रोपोर्शन के ऊपर रहेगी। अभी तक हमने सिर्फ रेशियो की बात की है, अब कोई भी नंबर होंगे आपको वो ये पता लगाना होगा उसमें कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, और वो कैसे पता लगाएंगे हम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।